अनुलोम विलोम करो। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपना। आओ अनुलोम विलोम करते जाएं। ये जीवन ऐसे नहीं सवर जाएगा, इसके लिए एक सुनिश्चित मार्ग है, एक परफेक्ट पथ है। इस पथ से इधर उधर हो गए ना तो फिर मामला गड़बड़ है। आओ पूरे एकात्म होकर के सैकड़ों हजारों और पूरे देश और दुनिया में अब भोर में लाखों करोड़ों योगियों की एक साथ भगवान के साथ एक आत्मता स्थापित हो रही है, तो कितना बड़ा शुभ मुहूर्त है ये, शुभ घड़ी है ये, भागवत मुहूर्त है। सबके भीतर एक डिवाइन ऊर्जा, डिवाइन इंस्पिरेशंस, और इनके साथ भगवान के दिव्य आशीषों से हम अभिषिक्त होते हुए आओ कर रहे हैं अनुलोम विलोम। रुकना नहीं किसी को। तन मन जीवन चलो सवारे, तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपनाए, वैर भाव को त्याग सभी हम, गीत मिलन के गाए, तन मन जीवन चलो सवारे।
स्वर्ग धरा पर लाए, आप भी गई सब। तन मन जीवन चलो सवारे, योग मार्ग अपना से कपाल भाती और अनुलोम विलोम आपको अधिक मात्रा में करना है, और पूरी तरह से एक निष्ठ हो करके, ब्रह्मनिष्ठ हो करके, आत्मनिष्ठ हो करके, गुरु निष्ठ हो करके, एक अनुष्ठान की तरह कपाल भाती अनुलोम विलोम जब आप ऐसे करते हो ना, तब योग से वो होता है जो अभी तक किसी भी विद्या से नहीं हुआ। इसलिए इस योग विद्या को, इस परा विद्या, इस अध्यात्म विद्या, इस ब्रह्म विद्या को जीवन की सबसे बड़ी विद्या, जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान, जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी महिमा इसको दी है ना। तो ऐसे ही हमें योग करना है। कुछ कहते हैं योग से क्या होगा, मैंने कहा भाई योग से ही सब कुछ होगा, जो चाहिए वो योग से होगा। योग से रोग मिटेंगे, योग से मन की अशांति मिटेगी, योग से हमारे जीवन की दुर्बलताएं, कमजोरियां, जो भी जीवन में दुर्गुण हैं, दोष हैं, वो मिटेंगे। योग से शरीर निरोग होगा, चित्त निर्मल होगा, हम निर्विचार होंगे, कोई दुर्विचार, कोई दुर्भावना, कोई दुष्कर्म, कोई अशुभ जीवन में रहेगा ही नहीं। तो कितनी बड़ी बात है, कुछ भी अशुभ बचेगा ही नहीं। योगो भवति दुःखाः, योगो हि प्रभवाप्यः। योग से सब प्रकार की कुशलताएं बढ़ेंगी, योग कर्म से कौशलम, योग से सब प्रकार की समता बढ़ेगी, समत्वम योग उच्यते। और योग से हम अपने स्वरूप में, अपने निज रूप में, अपने आत्म रूप में, अपने आत्म स्वरूप में, अपने ब्रह्म स्वरूप में, अपने दिव्य स्वरूप में रह करके, अपने भीतर की निजता, दिव्यता, पूर्णता में रह करके, स्वरूप में रह करके, हम स्वधर्म का, अपने पति धर्म का, पत्नी धर्म का, मनुष्य धर्म का, अपने इस योग धर्म का के साथ, अपने राष्ट्र धर्म का, अपने स्वधर्म का, अपने सेवा धर्म का ठीक से निर्वहन कर, और क्या चाहिए। योग से सारे रोग मिट जाएंगे, योग से सारे व्यसन मिट जाएंगे, सारे व्यसन मिट जाएंगे योग से। ऐसे स्वभाव बनाना है अपना योग करने का, कि बचपन से आपका ऐसा स्वभाव बन जाए तो आपके अंदर एकाग्रता और दिव्यता इस कदर बढ़ेगी कि अशुभ का नामो निशान नहीं रहेगा। हम बार बार कहते हैं ये प्रकृति का ऐसा स्वभाव, इसमें शुभ अशुभ, पाप पुण्य, धर्म अधर्म दोनों है।